अगर आप सोच रहे हैं कि नीरव मोदी और माल्या जैसे लोगों ने हमारे देश में सबसे बड़ा घोटाला किया है तो आप गलत सोच रहे हैं। देश में एक बार फिर बैंक घोटाले की खबरें सामने आई हैं और इस बार का घोटाला अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है। सीबीआई ने 36,615 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में बुधवार को मुंबई और महाराष्ट्र में DHFL, उसके प्रमोटरों कपिल वधावन, धीरज वधावन, बिजनेसमैन सुधाकर शेट्टी के साथ करीब 15 जगहों पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि ये देश की सबसे बड़ी बैंक धोखाधड़ी है, जो नीरव मोदी के घोटाला मामले का लगभग 3 गुना है। सीबीआई के मुताबिक साजिश के तहत आरोपी कपिल वधावन और अन्य ने कंसोर्टियम बैंक को 42,871 करोड़ रुपए के बड़े लोन को मंजूरी देने के लिए प्रेरित किया। DHFL के रिकॉर्ड्स में धोखाधड़ी करके पैसों के एक जरूरी हिस्से का हड़प के उसे गलत इस्तेमाल किया, जिससे कंसोर्टियम लैंडर्स को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। आपको बता दें कि सीबीआई ने बैंक से 2022 को मिली शिकायत के आधार पर कार्यवाही की है। वधावन ब्रदर्स कथित भ्रष्टाचार के मामले में फिलहाल सीबीआई जांच के घेरे में है। बैंक का आरोप है कि कंपनी ने 2010 और 2018 के बीच कंसोर्टियम से एक अग्रीमेंट के अंतर्गत हजारों करोड़ रुपए का लोन लिया, लेकिन मई 2019 के बाद से रीपेमेंट डिफॉल्ट करने लगी। आईएनएस रिपोर्ट।